रत्ती मतलब छलती। तीसरा बतियाना, बतियाना का मतलब होता है बातें करना। फोर हुड़दंगा, हुड़दंगा मीन्स हल्ला गुल्ला, हल्ला गुल्ला हम करते हैं शोर शराबा। फिफ्थ है लकड़ सुनवा, लकड़ सुनवा बोलते हैं लकड़ बक्का को। सिक्स तलैया, तलैया मीन्स छोटा सा तालाब, छोटा जो तालाब होता है उसे तलैया बोलते हैं। सेवन नैया, नैया मीन्स नाव, नैया को क्या बोलते हैं नाव। तो चलिए हमारे शब्दार्थ कंप्लीट है। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम करने वाले हैं सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना। ये हम प्रश्न नंबर दो सही विकल्प देखते हैं। पहला सही विकल्प है आम चुराते समय किससे डर लगता था। कविता में क्या बताया है आम चुराते समय किससे डर लगता था, हमारा सही ऑप्शन था लकड़ सुनवा, तो हमारा सही ऑप्शन ये हो गया। दूसरा बच्चों को क्या लूटना अच्छा लगता है, क्या लूटना अच्छा लगता है बच्चों को पतंग। तीसरा बचपन में किसमें भीग भीग कर नहाना अच्छा लगता है, तो किसमें भीग कर नहाना अच्छा लगता है बचपन में वर्षा। तो ये पहला दूसरा तीसरा, इसके बाद हम चौथा और पांचवा देखते हैं। फोटो वाला में किस ऋतु में दिखाई देते हैं, ऋतु मीन्स मौसम और मेघ मीन्स बादल, तो बादल घने घने बादल कौन से मौसम में दिखाई देते हैं वर्षा। पांचवा बस्ती में क्या क्या होता है, क्या क्या रखा होता है हमारे बस्ती में, किताब कॉपी, तो हमारे सही विकल्प चलिए कंप्लीट है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। चलिए हम प्रश्न नंबर तीन लघु उत्तरी प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला लघु उत्तरी प्रश्न है यदि हमारे पैरों में फल लगे होते तो हम क्या करते, हम क्या करते अगर हमारे पैरों में फल लगे होते, यदि हमारे पैरों में फल लगे होते तो हम तितलियों के संग उड़ते, बुलबुल जैसा गाते और गोरैया से बातें करते। गोरैया का मतलब है छोटी सी चिड़िया होती है, थोड़ी सी ब्राउन कलर की, थोड़ी सी ग्रे कलर की, उसे गोरैया बोलते हैं। तो हमारा पहला वाला प्रश्न कंप्लीट है। अब दूसरा आंधी आने पर बच्चे क्या करते हैं, उत्तर देखिए आंधी आने पर बच्चे छिपकर बगिया से आम चुराते हैं। तो समझ में आया होगा पहला और दूसरा प्रश्न हमने पोयम में पढ़ रखा है। तो चलिए हमारा तीसरा वाला शुरू करते हैं। तीसरा प्रश्न मेंढक किस प्रकार की आवाज निकालता है, कैसी आवाज निकालता है मेंढक, मेंढक टर टर की आवाज निकालता है। चौथा देखिए बच्चे किस चीज के लिए लूटते हैं, किस चीज के लिए लूटते हैं, लूटना मीन गुस्सा हो जाना नाराज हो जाना, किस चीज के लिए, आइए उत्तर में देखिए बच्चे टॉफी बिस्कुट की खाते लूटते हैं, उन्हें टॉफी बिस्कुट चाहिए होता है इसलिए वो मांगने के लिए लूट जाते हैं। पांचवा इस कविता में जहर के समान क्या लगता है, कविता में क्या बताया है कि जहर के समान क्या लगता है बच्चों को, इस कविता में जहर के समान दूध लगता है। कविता में क्या बताया है कि जहर के समान कविता में बच्चों को क्या लगता है, क्या लगता है जहर के समान दूध लगता है। तो हमारे लघु उत्तरी प्रश्न पूरे हो गए। नेक्स्ट हम दीर्घ उत्तरी प्रश्न शुरू करने वाले हैं। हमारा चौथा प्रश्न दीर्घ उत्तरी प्रश्न हम शुरू कर रहे हैं। तो पहला दीर्घ उत्तरी प्रश्न है बरसात के मौसम में बच्चों को क्या क्या करना अच्छा लगता है। तो चलिए आंसर देखें बरसात के मौसम में बच्चों को नहाना, पानी में कागज की नाव चलाना, भीग कर दौड़ना और मेंढक बनकर टर टर करना अच्छा लगता है। तो पहला प्रश्न हमारा पूरा है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न का दूसरा वाला प्रश्न हम देखते हैं कविता के आधार पर बताइए कि बचपन में बच्चे दादी माँ से क्या क्या जिद करते हैं। चलिए हम बताते हैं बचपन में बच्चे दादी माँ से नियमित कथा कहानी सुनना तथा राजा रानी परलोक के अंतिम हिस्से सुनने की जिद करते हैं।
करते हैं। आप लोग भी जिद करते होंगे अपने दादी से कि हमें कहानी सुननी, तो सारे बच्चे यही जिद करते हैं अपनी दादी से कि हमें आप कहानी सुनाओ, राजा रानी परी की कहानी सुनाओ। तो हमारा दूसरा प्रश्न भी हो गया, अब हम नेक्स्ट तीसरा शुरू करने वाले हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं हम, कवि ने इस कविता के माध्यम से जीवन के किन पलों को ठहर जाने को कहा है और क्यों, कौन से पल ठहर जाने को कहा है कवि ने कविता में। आंसर तो देते हैं, कवि ने हमारे जीवन के सबसे अनमोल बचपन के पलों को ठहर जाने को कहा है, क्योंकि बचपन सबसे प्यारा और यादगार समय होता है जिसे हम बड़े हो जाने पर भी नहीं भूल पाते हैं। ये जो बचपन का समय जो होता है वो हमारा सबसे स्पेशल टाइम होता है हमारे लाइफ का, जो हम बड़े होकर याद करते हैं कि हम बचपन में ऐसा किया करते थे, हमने बचपन में ये काम किया। तो यही पलों को कभी तह जाने के लिए बोल रहे हैं। तो इस तरह हमारे लघु त्रिय प्रश्न पूरे हो चुके हैं और हमारा पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट है। इसको आप कॉपी से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर मतलब पार्ट 5 के साथ शुरू करेंगे।